Hey everybody, this side CS Tanya Bhandari. I hope you all are doing great. So I'm here with the amendment for your respective subject, that is SBEC, correct? So module 1 SBEC mein do chapters mein amendment aaya hai and you can see in your screen that we have a supplement of the ICSI issued by the ICSI. So यहाँ पे obviously हम supplement से ही पढ़ेंगे and बहुत amendments नहीं है, सिर्फ दो ही chapters में amendment है. To talk about, one is your chapter number 2, which is actually the types of company. उसमें भी एक ही company में amendment है, correct? And the other is in your part C, जो कि हम insolvency या liquidation के बारे में जब बात करेंगे, तो बहुत छोटा सा amendment है, लेकिन हम सारे amendments cover करेंगे. Now अब अमेंडमेंट्स कहाँ आए हैं, तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 की तो वहां पे निधि कंपनी से रिलेटेड अमेंडमेंट आए हैं. अब ऐसा कुछ नहीं आ गया है जो कि एकदम ऑल टुगेदर नया हो. अमेंडमेंट क्या होता है कि कुछ चेंजेस किए गए हैं, करेक्ट? अगर हम अपने नोट्स को रेफर करें तो जो भी हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि भाई निधि कंपनी क्या है. निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, राइट, विद द मैक्सिमम मेंबर्स अप टू 200. निधि कंपनी का पर्पस क्या है कि यू नो फॉर इट इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स. सेविंग हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, करेक्ट है? तो ये कुछ बातें जो बेसिक सी हैं वो एज इट इज सेम है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कुछ चेंज आ गया है. इट इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन, नथिंग न्यू हैज बीन इंसर्टेड, राइट? नाउ अब हम अमेंडमेंट के पास आए, तो हम यहाँ पे सबसे पहला अमेंडमेंट यहाँ पे हमें बताया गया है कि पहले क्या होता था, बहुत ध्यान से सुनना, कि निधि कंपनी जैसे ऑब्वियसली एक कंपनी बनी, करेक्ट, एक पब्लिक कंपनी बनी, उसके बाद उसको क्योंकि एक निधि कंपनी का काम करना है तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेती थी एंड डिक्लेरेशन भी देती थी, ठीक है? अप्रूवल किस बात का, कि भाई हम निधि कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता. डेक्लेरेशन किस बात का, कि भाई अप्रूवल ले लिया गया है एंड ऑब्वियसली निधि कंपनी वही सारे काम करेगी जो एक निधि कंपनी के एक स्कोप में आते हैं, करेक्ट है? इन सब बात का डेक्लेरेशन, कि भाई अप्रूवल हो गया है, सब कुछ क्लीन, हम डेक्लेरेशन भी देते थे, फाइन. अब हुआ क्या, ये सब काम हम कंपनी बनने के बाद करते थे. अब मॉडिफिकेशन क्या आया है कि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको उसी समय ही गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भी अप्लाई कर देना है, प्लस अपने डिक्लेरेशन भी दे देना है. डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है आईएनसी 20A में हम डिक्लेरेशन देते करते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली अब आईएनसी 20A आप पहले ही फाइल कर देंगे, ठीक है? प्लस जो हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, और वो भी हम अब क्या बोल रहे हैं कि आपको एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, तो बट ऑब्वियसली बात है आईएनसी 32, दैट इज योर स्पाइस प्लस पार्ट बी, करेक्ट, जहां पे इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, ये सारा का काम वही हो जाएगा. कंपनी बनते टाइम ही ये दोनों चीजें भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी. सो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ अ कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि, द डिक्लेरेशन बाय द सीजी अंडर सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट शैल बी ऑब्टेन्ड बाय निधि बिफोर कमेंसिंग द बिजनेस, right, and the declaration in this behalf shall be submitted at the time of incorporation. तो दोनों ही चीजें आपकी कंपनी जैसे ही बन रही है, आप जो बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उन्हीं के साथ आप ये दोनों चीजें भी कर देंगे, करेक्ट? सो आईएनसी 20A एंड ऑब्वियसली आप आईएनसी 32 स्पाइस प्लस जो हम पार्ट बी की बात करते हैं उसमें आप गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भी अप्लाई कर देंगे. अब आपको यहाँ पे ऑब्वियसली फॉर्म्स भी दिए हैं. This is your INC 20A. Correct, so declaration for commencement of business. अब यहाँ obviously आप यहाँ पे जैसे आप सारी अपनी details file करेंगे, इसके अंदर fill करेंगे, फिर obviously यहाँ पे आप देखो नीचे क्या लिखा है, एक checkbox भी बना दिया that I further declare that the company shall not carry the business of Nidhi. Obviously आप ये चीज पहले ही declare कर रहे हो. तो ये दोनों चीजें आप कब कर दोगे, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट? अब सेकेंड अमेंडमेंट की बात करें तो सेकेंड अमेंडमेंट इज इन रिगार्ड्स टू द सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर. क्या बोला गया है कि अगर आपके सब्सक्राइबर या फर्स्ट डायरेक्टर को एज पर द फेमा रूल्स 2019, आपको यू नो हमें पता है अप्रूवल रूट है, ऑटोमेटिक रूट है, करेक्ट,
तो अगर आपके सब्सक्राइबर्स फर्स्ट डायरेक्टर्स को यू नो फेमा के अंदर अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट थी तो आपने वो ले ली है, राइट? सो उस चीज को आपको पहले ही यहाँ पे चेकबॉक्स बनाए गए हैं कि दैट आई एम रिक्वायर्ड टू टेक दी अप्रूवल अंडर दी फेमा रूल 2019 एंड आई हैव यू नो ऑब्टेन्ड, करेक्ट? और अगर नहीं चाहिए था तो ऑब्वियसली आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर दी फेमा रूल्स, राइट? तो ये आप दो चीजें ऑब्वियसली चेकबॉक्स में टिक करेंगे. किन केसेस में? फर्स्ट आपके डायरेक्टर या सब्सक्राइबर. सो आई फॉर्म नंबर INC 9 डेक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर फर्स्ट डायरेक्टर हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड. The substituted form consists a declaration in respect of compliance with the government approval under the FEMA by inserting the check boxes. तो यहाँ पे check boxes को insert कर दिया गया है कि भाई I am required to obtain the government approval under the FEMA prior to the subscription of shares and the same has been obtained and enclosed herewith. Obviously आप वो सारे documents को attach कर देंगे कि approval ले लिया. इफ नॉट आपके यू नो बिफोर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स आपके सब्सक्राइबर्स फर्स्ट डायरेक्टर्स को अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं था, फेमा में फॉल नहीं हो रहे थे, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे चेकबॉक्स ये दूसरा चेकबॉक्स टिक कर देंगे, करेक्ट? नाउ एक और डिक्लेरेशन क्या है यहाँ पे, दैट आई ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर हेयरबाय डिक्लेयर दैट द पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद इंडिया. Necessary security clearance from the ministry has been obtained. That if your subscriber, if your first director is of a country which you know with which India shares the land border, like if he or she is of Pakistan, correct, China, then Bangladesh, Nepal, or any country which shares the land border with India, if at all your subscriber first director belongs to that country, then you have you know you have already obtained the the required, you have already taken the required permission from the respective ministry. So, yes or no, correct? So, you have to take these boxes as well. So, if yes is opted, a copy of security clearance is to be attached. जो आपको clearance का certificate मिला होगा, वो आपको यहाँ पे attach करना होगा. Obviously, ऐसे कोई खेल थोड़ी चल रहा है कि ठीक है checkbox में बस tick कर दिया कि हाँ तुम्हारी बात पे विश्वास कर रहे हैं. बट आपको उसके लिए रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे. सो INC 9 के अंदर ये चेंजेस है, करेक्ट? सो INC 28 डिक्लेरेशन हमने बात करी, हमने प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की बात करी कि ये सारी चीजें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा. प्लस INC 9 जो कि आपका यू नो फर्स्ट सब्सक्राइबर डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है, उसमें हमने बात किया कि फेमा के रूल्स अगर हम पे एप्लीकेबल थे बिफोर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स तो मेरे सब्सक्राइबर ने वो कंप्लाई कर लिए हैं और डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे. इफ नॉट तो दूसरा ऑप्शन है. और दूसरी बात कि अगर लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है तो वहां उनके लिए हमने रिस्पेक्टिव क्लियरेंस ले लिया है, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, दैट इज द निधि रूल्स. इससे पहले निधि रूल्स 19 की हम पढ़ते थे, राइट? देखो यहाँ पे हम निधि जो रूल्स पढ़ रहे हैं ना, 3A निधि रूल्स, ये सब क्या था, ये हम 2019 के पढ़ते थे. अब क्या है इसको, ऑब्वियसली इसमें चेंजेस आए हैं. अब हम कौन से रूल्स हो गए हैं, निधि अमेंडमेंट रूल 2022. अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं, देखो इसमें क्या बोला था, सेट अमेंडमेंट प्रोवाइड दैट नो कंपनी विच हैज नॉट कंप्लाइड विद रूल 3A pertaining to declaration of nidhis shall raise any deposit from its member. अब इसकी लाइन, ये लाइन बाद में पढ़ते हैं, पहले समझते हैं रूल 3A था क्या, तभी तो पता पड़ेगा कि चेंज कहाँ आया है. अगेन रूल 3A में हम डिक्लेरेशन की बात करते थे, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन इनफॉर्म NDH-4 ऑफ अ पब्लिक कंपनी फॉर डिक्लेरिंग इट एज अ निधि and on being satisfied that the company meets the requirement under these rules shall notify the company as nidhi company, correct? Provided that, अब ये आपको declaration कब करना होता था, provided that nidhi incorporated under the act on or after the commencement of nidhi amendment rule 2019 shall file the form NDH-4 within 60 days of expiry 1 year from the date of incorporation या up to the period as may be extended, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि
देखो बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई रूल जो 3A है, अब ये किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है, जो भाई पहले निधि नहीं थी, ठीक है, अपडेट करा रही है अपना स्टेटस या अपने आप को ऑब्वियसली डिक्लेयर कर रही है आफ्टर दी। अब जो नई कंपनीज बन रही है वो तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही वो दोनों चीजें कंप्लाई कर लेंगी, लेकिन वॉट अबाउट द कंपनीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तो उनके लिए क्या बोला कि जिन कंपनीज ने रूल 3A कंप्लाई नहीं किया है, राइट, पर्टेनिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ निधि शैल नॉट रेज एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स। वो अपने मेंबर से ना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं और ना ही उनको लोन दे सकती हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल फ्रॉम द डेट ऑफ सच नॉन कंप्लायंस और फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अबव सेड रूल, दैट इज रूल 22 की बात हो रही है, करेक्ट, और द डेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इन द फॉर्म NDH-4 व्हिच एवर इज लेटर, करेक्ट। तो जब तक आप ये चीज फाइल नहीं कर देते हो, जब तक आप रूल 3A को कंप्लाई नहीं कर लेते हो, तब तक आप अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो और उनको लोन नहीं दे सकते हो। इफ एट ऑल ऐसा हुआ है, राइट, तो फिर वो जो डिपॉजिट्स हैं वो हम पब्लिक डिपॉजिट्स की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि हम कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, तो हम निधि डिपॉजिट्स उनको नहीं मानेंगे। नाउ रूल 3B हैज बीन इंसर्टेड व्हिच प्रिस्क्राइब दैट द पब्लिक कंपनी डिजायरस टू बी डिक्लेयर्ड ऑफ एज अ निधि शैल अप्लाई इन द फॉर्म NDH-4। अब मेरे पास समझ आई, क्योंकि क्या होता है कंफ्यूजन होता है कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब आप बोल रहे हो NDH-4, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपके सामने है कि वो चीज नई कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो अब इनकॉर्पोरेट हो रही है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उनके लिए NDH-4, राइट। सो कंपनी डिजायरस टू बी डिक्लेयर्ड एज अ निधि कंपनी शैल अप्लाई इन द फॉर्म NDH-4 विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज। दिस इज ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। यहाँ पे क्या होता था, पहले के रूल्स में क्या लिखा था कि हमें विद इन 60 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, मतलब मेरे को निधि की तरह इनकॉर्पोरेट हुए हुए 1 साल हो गया, उस 1 साल के बाद 60 दिन के अंदर अंदर मुझे NDH-4 फाइल करना पड़ता था या फिर जो भी एक्सटेंडेड डेट आई है। ये पहले था, ठीक है, अब इसको ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ेंगे, ये चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, कितने दिन के अंदर अंदर करना है हमें, विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन फॉर डिक्लेरेशन एज निधि, करेक्ट, इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। ऑब्वियसली अगर पब्लिक कंपनी निधि में कन्वर्ट हो रही है तो उसको अपने मेंबर्स को कितना रिस्ट्रिक्ट कर देना होगा, दैट इट हैज नॉट लेस देन 200 मेंबर्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मैं बोल सकती हूँ मैक्सिमम मेंबर्स मेरे 200 हैं, एंड ये दूसरी कंडीशन क्या है, इट हैज नेट ओन्ड फंड्स ऑफ 20 लाख रुपीज और मोर। पहले क्या था, यहाँ पे नेट ओन्ड फंड्स कितने थे, 10 लाख के थे। मेंबर्स तो पहले भी 200 थे, अभी भी 200 है, लेकिन नेट ओन्ड फंड्स पहले हमारे 10 लाख थे, अब कितने हो गए हैं, नेट ओन्ड फंड्स 20 लाख। तो दो चीजें यहाँ पे हमने कवर करी हैं कि जो NDH-4 है वो पहले हमने देख लिया कब फाइल, पहले अब भूल जाओ, अब हमें NDH-4 फॉर अ कंपनी जो कि पहले पब्लिक थी अब निधि में कन्वर्ट हो रही है, उसको NDH-4 कब तक फाइल करना है, विद इन 120 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, 120 दिन के अंदर अंदर, सिंपल कर दिया, ठीक है, 120 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। अब कब फाइल कर पाएगी, जब वो ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर रही हो कि उसके मैक्सिमम मेंबर्स 200 हैं एंड उसके जो नेट ओन्ड फंड्स हैं वो 20 लाख या उससे ज्यादा हैं। ये दो कंडीशंस कंप्लाई हो रही हैं तो ऑब्वियसली 120 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, NDH-4 फाइल कर सकते हो फॉर यू नो पब्लिक कंपनी जो एक निधि कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। द कंपनी शैल अटैच अ डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉपर फिट एंड प्रॉपर पर्सन बाय ऑल ऑफ इट्स डायरेक्टर एंड प्रमोटर विद द फॉर्म NDH-4। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव कि जब आप NDH-4 फाइल कर रहे हो ना, उसके साथ ये ऑब्वियसली पहले नहीं था, यहाँ पे क्या बोला गया कि आप साथ में एक डिक्लेरेशन दोगे इन रिगार्ड्स टू योर डायरेक्टर्स, इन रिगार्ड्स टू योर प्रमोटर, कि वो जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं मेरी कंपनी के, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। अब ये फिट एंड प्रॉपर क्या आपका यू नो फिजिकली बोल रहा है, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है।
So to determine that any promoter or director is a fit or proper person, the following criteria should be looked upon. कैसे हम बताएंगे फिट एंड प्रॉपर है? दैट ऑब्वियसली इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, फेयरनेस, रेपुटेशन एंड कैरेक्टर. वो ऑब्वियसली इंटीग्रिटी के मेंटेन करके चल रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, एथिकल बिहेवियर, रेपुटेशन, कैरेक्टर, ये सारी की सारी चीजें वो पोजेस करते हैं. नाउ नॉट इनकरिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशन, ये पहला पॉइंट उनमें होना चाहिए. उनमें ऑनेस्टी, उनमें इंटीग्रिटी, उनमें यू नो एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, फेयरनेस मेंटेन करके चलते हो, रेपुटेशन एंड कैरेक्टर को भी मेंटेन करके चले हो, राइट? क्या नहीं होना चाहिए कि मेरे प्रमोटर और डायरेक्टर में ये सारी चीजें नहीं है, राइट? इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं डिक्लेरेशन दे रही हूँ, क्या कि उनके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन और इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 154 और सीआरपीसी हैज बीन फाइल्ड और इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, मतलब ऐसा कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं है. चार्जशीट कोई उनके अगेंस्ट फाइल नहीं है. रेस्ट्रेनिंग प्रोहिबिशन और डिपार्टमेंट ऑर्डर हैज बीन पास अगेंस्ट हिम इन एनी मैटर रिलेटेड टू कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, फिनेंस मार्केट इन्फोर्स. उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोहिबिशन, किसी भी यू नो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज ने कोई भी प्रोहिबिशन, कोई भी यू नो उनको उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स नहीं आए हुए हैं, ठीक है? वो किसी भी तरीके से कोई यू नो कन्विक्शन ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड पास अगेंस्ट हिम ऑब्वियसली इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसा उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है. वो इंसॉल्वेंट, क्या लिखा है, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड हैज नॉट बीन डिस्चार्ज. मतलब क्या कि आप एक होता है कि आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए हो, ठीक है, आप इंसॉल्वेंट हो, लेकिन डिक्लेरेशन आपको कोर्ट से मिलता है ना. तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, ऐसा नहीं कि वो इंसॉल्वेंट है और वो अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? वो अनसाउंड माइंड के नहीं है, वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है. वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो किस 5 से ज्यादा कंपनी के भी डायरेक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर्स ऑफ 5 और मोर कंपनीज, करेक्ट? यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हाईलाइट कर लो कि वो डायरेक्टर्स ऑफ 5 और मोर कंपनीज भी नहीं होने चाहिए. इस बात की गारंटी जो डिक्लेयर कर रहा है वो दे रहा है, करेक्ट? सच पर्सन इज अ डायरेक्टर इन 5 और इफ सच पर्सन इज डायरेक्टर इन 5 और मोर, देन 5 और प्रमोटर इन 3 और मोर, देन 3 निधि कंपनीज, ठीक है? तो अब ये बोल रहा है कि अगर है तो वो उस बात का डिक्लेयर कर रहा है. तो ये सब क्या है, ये हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भाई हम नॉर्मल कंपनीज की बात करें तो 5 से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर्स नहीं है. तो ये भी बोल रहा है कि सच पर्सन इज द डायरेक्टर इन 5 और मोर देन 5 और प्रमोटर इन 3 और मोर देन 3 निधि कंपनीज, करेक्ट? वो अब आप इसको क्या क्या यू नो अगर याद करने की बारी आए तो आप क्या क्या याद कर सकते हो. ऑब्वियसली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. देखो आप 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट, ये जो आपके 6, 7, 8 है, दीज आर वेरी कॉमन, करेक्ट? तो ये याद कर सकते हो. फिर कंप्लेंट का याद कर सकते हो, चार्जशीट का याद कर सकते हो. ऐसे अगर मैं बोलूँ 10 पॉइंट है तो 8 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि क्वेश्चन आए तो 8 के 8 तो मुझे एज इट इज लिखने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. देन अ निधि शैल बी अ पब्लिक कंपनी एंड शैल हैव अ मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख. नाउ पहले के टाइम, मतलब ऑब्वियसली बिफोर दिस अमेंडमेंट क्या था कि उसके जो मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल थी पहले वो 5 लाख रुपीज थी. अब उसको अमेंड करके क्या कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया है. एंड इक्विटी मैं क्यों बोल रही हूँ, इम्फोसाइज हम क्यों कर रहे हैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, करेक्ट? तो चेंजेस मुझे बताओ, मिनिमम हमारे जो मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं वो उतने ही है. हमारा नेट ओन फंड्स अब कितना हो गया है, 20 लाख हो गया है. तो ऑब्वियसली अब नेट ओन फंड्स 20 लाख हो गया तो उसका इफेक्ट हमने क्या बोला कि हमारा जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी 5 के बजाय क्या हो गई है, 10 हो गया है, करेक्ट? एंड शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट रूल. दैट मींस कि जब से ये रूल आए हैं, निधि अमेंडमेंट्स रूल 22 जब से आए हैं, हमने बोला उस दिन से आपको 18 महीने के अंदर अंदर आपकी जो पेड अप इक्विटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 5 से अब 10 लाख हो गई है, वो आपको फुलफिल करनी है. कितना टाइम है, 18 मंथ्स का टाइम है, करेक्ट? तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लो 18 मंथ्स. किस बात के लिए, हमारे जो पेड अप
इक्विटी कैपिटल है ना वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 10 लाख, करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर यहाँ पे क्या लिखा, अंडर जर्नल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन नो निधि शैल एक्वायर और परचेज सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी अदर कंपनी इन एनी मैनर व्हाटसोएवर और एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट फॉर चेंज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। की एक निधि कंपनी किसी भी तरीके से एक्वायर परचेज किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज को नहीं कर सकती है और ना ही एक निधि कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करेगी, करेक्ट है। तो क्या लिखा है, कंट्रोल और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से वो किसी और कंपनी के साथ इंडल्ज नहीं होगी। देन अ मेंबर शैल नॉट ट्रांसफर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या बोला कि अगर किसी मेंबर ने आपसे लोन लिया है, निधि कंपनी से लोन लिया है या निधि कंपनी को डिपॉजिट दिया है, वो मेंबर किसी भी टाइम पे, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी शेयर होल्डिंग को बेच नहीं सकता है, करेक्ट। और अगर बेचता भी है तो भी उसके पास मिनिमम 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग हर समय होनी रिक्वायर्ड है। So, member shall not transfer more than 50% of its shareholding as on the date of availing loan or making deposit during the existence of such loan, जब तक वो लोन उसके ऊपर है या जब तक उसने डिपॉजिट दे रखा है तब तक वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर भी मिनिमम 50% उसके पास होना चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। As the case may be, provided that the member shall retain the minimum number of 10 equity shares of the equivalent value of 100 at all times. हमें पता है ना इसकी face value, हमने बोला कि भाई 100 minimum हम मान के चलते हैं। यहाँ पे वही बात बोली कि हर members के पास हर time, एक तो हमने loan और deposit की बात कर दी कि आप transfer नहीं कर सकते हो, कर रहे हो तो फिर भी उस transfer के बाद भी minimum 50% of the shares आपके पास होने चाहिए, correct? एक बात ये होगी। दूसरा हमने क्या बोला कि हर मेंबर के पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने आपके पास शेयर्स होने चाहिए, हमने बोला 10 इक्विटी शेयर्स इक्विवेलेंट टू 100 एट ऑल द टाइम्स, करेक्ट। सो फेस वैल्यू 100 के 10 इक्विटी शेयर्स आपके पास होने ही चाहिए। देन एवरी निधि शैल मेंटेन नेट ओन फंड्स ऑफ नॉट लेस देन 20 लाख। ये हमने रूल 3A जब पढ़ा तभी हमने बात करी कि भाई निधि कंपनी के नेट ओन फंड्स की अब क्या लिमिट हो गई है, 20 लाख, जो कि पहले थी 10 लाख। पेड अप इक्विटी कैपिटल 5 थी, अब कितनी हो गई, 10, और जो 10 था वो कितना बड़ा बन गया, 20, करेक्ट। और हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड उनको वो वाली रिक्वायरमेंट भी कब तक पूरी करनी है, अगेन 18 मंथ्स तक की। तो दोनों जो लिमिट में अपग्रेडेशन आया है ना, पेड अप इक्विटी में भी और नेट ओन फंड्स में भी, ये दोनों उसको 18 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल आपको पूरा करना है और एज पर द एक्सटेंडेड टाइम प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। देन अ निधि कंपनी शैल नॉट क्लोज अ ब्रांच अनलेस द प्रपोजल टू क्लोज द ब्रांच अलॉन्ग विद द प्लान फॉर पेइंग द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट रिकवरिंग एग्जिस्टिंग लोन्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ मीटिंग। की निधि कंपनी, हमें पता है ना एक से ज्यादा ब्रांच हो सकती है, तो बोलते हैं वो ब्रांच को ऐसे ही क्लोज नहीं कर सकते हो। अगर आपको क्लोज करना है तो प्रायर टू दैट क्लोजर आप क्या करोगे, आपको अपने पूरा प्लान के साथ कि कैसे आप अपने डिपॉजिट्स को पे बैक करोगे, कैसे आपने जो लोन दे रखे हैं मेंबर्स को उनको रिकवर करोगे, अपने बोर्ड के पास अप्रूव उसको अप्रूव कराना है इन अ मीटिंग एंड हैज रिसीव्ड द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर एज वेल। तो वो बोर्ड ने भी अप्रूव किया है प्लस हमने आरडी से भी अप्रूवल लिया है, लिख लो, बोर्ड का अप्रूवल चाहिए प्लस आरडी अप्रूवल फॉर क्लोजर ऑफ ब्रांच, करेक्ट। विदिन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन, अब ये बात तो एक जर्नल कंसेप्ट हो गया। अब हमने बोला जब हमने आरडी का भी अप्रूवल चाहिए ना, तो बट ऑब्वियसली हमने उनको एप्लीकेशन फाइल करी होगी, तो हमने बोला जब से हमने एप्लीकेशन फाइल करी है तो आरडी को विदिन 30 डेज ऑफ दैट एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर मस्ट इशू द अप्रूवल ऑर्डर।
right? After receiving the approval from the regional director, निधि company must publish in the local newspaper. तो इसके बाद जब हमें approval मिल गया, हमें क्या करना है? Local newspaper में भी advertisement देनी है. Newspaper advertisement, correct? Inform NDH5 at its place of business prior to 30 days of closure, as well as post a copy of closure of notice on the Nidhi on notice on Nidhi company's notice board pe bhi aapko obviously for 30 days from the date of publication, and notify the registrar within the 30 days of closure. Matlab kya ki dekho, humne bola mujhe meri branch close karni hai, to main sabse pehle RD ko application file karungi. Sabse pehle obviously main board apna पूरा का पूरा एक क्लियरेंस के साथ की डिपॉजिट को हम ऐसे पे बैक करेंगे, लोन्स को हम ऐसे रिकवर करेंगे, पूरे प्लान के साथ मैं पहले बोर्ड के पास जाऊंगी, मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करेंगे. वंस दे अप्रूव, मैं आरडी के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे. सो जैसे ही आरडी के पास एप्लीकेशन फाइल होती है, आरडी को विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन उनको अपना ऑर्डर पास करना है, राइट? वहां से मेरे को अप्रूवल आया, अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही अप्रूवल आया फिर मैं नोटिस दे दूंगी न्यूज़पेपर में, क्योंकि जब तक मैं नोटिस दूंगी उसके 30 दिन के बाद ही मैं उस ब्रांच को क्लोज कर सकती हूँ, राइट? सो न्यूज़पेपर में प्रायर टू द क्लोजर, 30 डेज प्रायर टू द क्लोजर मुझे न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट देनी है, और मैं निधि के नोटिस बोर्ड में भी इसको ऑब्वियसली हम लगा देंगे कि जिससे कि सब लोग देख पाए, करेक्ट? फिर हमने क्या बोला, एक बार क्लोजर हो गया, नोटिफाई करना है आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ द क्लोजर, और फिर मुझे आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर क्लोजर के बारे में इन्फॉर्म करना है. फर्दरमोर, एनी लोकेशन दैट इज नॉट अ रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच वेयर अ निधि कंपनी कंडक्ट्स अ बिजनेस मस्ट क्लोज विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ कंपनीज रूल 22 एंड मस्ट बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार इन NDH2. क्या बोल रहा है कि ऐसी लोकेशन जहां पे निधि का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है या उसकी कोई ब्रांच नहीं है और निधि कंपनी वहां पे अपना बिजनेस कर रही है, तो उसको वो चीज बंद करनी होगी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द न्यू रूल्स 22 के जो भी रूल्स आए हैं, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर वो लोकेशन पे हमने अपने बिजनेस को बंद करना होगा. Another thing, जहाँ पे देखो हम जनरली क्या वर्ड यूज करते थे कि आप गोल्ड के बेसिस पे अपने मेंबर्स को लोन दे सकते हो, तो बोला जहां जहां गोल्ड की बात आती है वहां पे आप सिल्वर को भी इंक्लूड करेंगे, दैट मीन सिल्वर ज्वेलरी को भी वहां पे हम इंक्लूड करेंगे, राइट? Another thing is, a Nidhi company shall not declare dividend exceeding 25% in a financial year. Nidhi company एक साल में 25% से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, राइट? सो ये क्या थे, ये हमारे निधि अमेंडमेंट रूल 2022 थे, जो कि हमने काफी अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से समझ के इन डिटेल कवर कर लिए हैं. अब मैम एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे क्या ध्यान में रखना है, आपको जो हमने NDH4 में डिक्लेरेशन की बात करी है उसके बारे में करना है कि भाई मेरे डायरेक्टर्स फिट एंड प्रॉपर पर्सन है, प्लस मेरे डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड नहीं ऑन द बेसिस ऑफ दोस 10 पॉइंट्स, राइट? वो आपको करना है. ब्रांच के बारे में आपको याद करना है, आपको नेट ओन फंड्स, पेड अप इक्विटी, शेयर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई 5 से 10 और 10 से 20 नेट ओन फंड, वो मुझे 18 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द अमेंडमेंट्स रूल, आपको 18 महीने के अंदर अंदर मुझे कंप्लाई करनी है. तो ये कुछ बातें हैं आपको याद करनी है, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू दी आर नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज ऑफ दी पार्ट सी, जो कि बहुत छोटा अमेंडमेंट है. यहाँ पे क्या बोला गया, देखो हम लिक्विडेशन के बारे में बात करते हैं ना कि भाई एक हमारा वॉलेंट्री लिक्विडेशन है, एक हम लिक्विडेशन थ्रू कोर्ट भी करते हैं, ये सब कुछ ठीक. अब यहाँ पे वॉलेंट्री लिक्विडेशन के ऊपर बात आई है. क्या बोला कि अगर मेरी कंपनी का वॉलेंटरी लिक्विडेशन हो रहा है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, करेक्ट, तो फिर उस केस में भी दो सिनेरियो बनते हैं जो कि यहाँ पे बात करी है. पढ़ते हैं पहले, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंडमेंट्स रेगुलेशन 22 प्रोवाइड्स दैट द लिक्विडेटर शैल एंडेवर टू कंप्लीट द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन एंड सबमिट द फाइनल रिपोर्ट अंडर द रेगुलेशन 38. कि भाई अगर कॉर्पोरेट का आपने लिक्विडेशन हुआ है एंड दैट टू अ वॉलेंट्री लिक्विडेशन, तो फिर दो चीजें होंगी, एक होगा कि भाई उस कॉर्पोरेट के क्रेडिटर्स होंगे और दूसरा केस होगा कि उसके क्रेडिटर्स नहीं होंगे, राइट? जरूरी नहीं है ना हर एक के क्रेडिटर हो, करेक्ट? तो दो केसेस हैं. अगर वो बोलता है कि क्रेडिटर है तो लिक्विडेटर जो है
पूरा का पूरा तामझाम कि भाई लिक्विडेटर को नोटिस देना, ठीक है, कि भाई पहले नोटिस देना कि हमारी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, न्यूज़पेपर में देना कि क्रेडिटर्स अपने क्लेम सबमिट करेंगे, हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम उन क्लेम्स को सेटल करेंगे। जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कि भाई एनओसी उनसे ऑब्टेन करेंगे, उनके क्लेम्स को सेटल करेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे अगर क्रेडिटर्स हैं, तो ये पूरा का पूरा तामझाम विदिन द पीरियड ऑफ 270 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट, जब से लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है आपका 270 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा सारी की सारी चीज लिक्विडेटर खत्म कर देगा, वेयर क्रेडिटर हैव अप्रूव द रेजोल्यूशन। करेक्ट, अगर क्रेडिटर ही नहीं है तो रेजोल्यूशन अप्रूव की बात नहीं आती है और हमें ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी कि पहले नोटिस देंगे, क्लेम के बारे में पूछेंगे, लिस्ट बनाएंगे, सेटल करेंगे, एनओसी ऑब्टेन करेंगे, ये सारी बात ही खत्म हो जाती है, तो मेरा पीरियड शॉर्टर हो जाता है। तो हमने बोला जो फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है, मेरा लिक्विडेटर विदिन 90 डेज को पूरा समाप्त कर देगा। अगर क्रेडिटर है तो 270 डेज, अगर नहीं है तो 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द लिक्विडेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट लिक्विडेशन कमेंसमेंट से हम बात कर रहे हैं। करेक्ट, फर्दर द लिक्विडेटर शैल सबमिट द फाइनल रिपोर्ट एंड द कंप्लाइंस सर्टिफिकेट इन फॉर्म एच के अंदर आपको सर्टिफिकेट फाइल करना है कि मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस विद इन द रिक्वायर्ड टाइमलाइन फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन कंप्लीट हो गया है। और आप किस में फाइल कर दोगे? कंप्लाइंस सर्टिफिकेट इन फॉर्म एच अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन और टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। करेक्ट, यही बात आपको बोली गई है। दिस वाज द अमेंडमेंट इन योर पार्ट सी, राइट? सो हमने एसबीईसी के सारे अमेंडमेंट्स को कवर कर लिया है। नाउ देयर आर नो मोर अमेंडमेंट्स, 8 पेजेस के अमेंडमेंट्स से एंड वी आर ऑन द 8th पेज। करेक्ट, सो निधि रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, प्लस ये जो पार्ट सी का अमेंडमेंट है छोटा सा है, ये भी आपको याद करना है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बिकॉज जब हम एक कोई चीज को पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद हम कुछ उसको दोबारा से समझते हैं तो वो एक अलग ही होता है कि हाँ हमें ये पता है, अब इसकी जगह ये होगा। करेक्ट, सो अच्छे से पढ़ो, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, निधि रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट, होप टू सी यू रियली वेरी सून, सो टिल देन टेक केयर।